दोस्तों, डिवाइन विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी चैनल पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी वीडियो आती रहती है, तो आपको भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मायासुर द्वारा निर्मित सभा भवन बहुत ही सुंदर व विचित्र था। एक बार नारद मुनि युधिष्ठिर के पास आए और उन्हें राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए तथा सभी राजाओं को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने समारोह पूर्वक राजसूय यज्ञ किया। इस समारोह में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। युधिष्ठिर का ऐश्वर्य देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या होने लगी। दुर्योधन ने पांडवों का राजपाट हथियाने के उद्देश्य से उन्हें हस्तिनापुर जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। पांडव जुए में अपना राजपाट व धन आदि सब कुछ हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर स्वयं के साथ अपने भाइयों और द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़ कर लाया और उसके वस्त्र खींचने लगा, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई। द्रौपदी का अपमान देख भीम ने दुशासन के हाथ उखाड़ कर उसका खून पीने और दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की। यह देखकर धृतराष्ट्र डर गए और उन्होंने पांडवों को कौरवों के दासत्व से मुक्त कर दिया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों की उनका राजपाट भी लौटा दिया। इसके बाद दुर्योधन ने पांडवों को दोबारा जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस बार शर्त रखी कि जो जुए में हारेगा वह अपने भाइयों के साथ 13 वर्ष वन में बिताएगा, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास होगा। इस बार भी दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा फेंका तथा युधिष्ठिर को हरा दिया। शर्त के अनुसार पांडव 13 वर्ष वनवास जाने के लिए विवश हुए और राज्य भी उनके हाथ से चला गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और आगे के वन पर्व तथा अन्य पर्व की जानकारी के लिए आगे के वीडियो में बने रहें।